नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे। श्योपुर में ग्वालियर महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पधारे। कांग्रेस प्रत्याशी राम निवास रावत के समर्थन में उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस की सरकार कमलनाथ की सरकार 55,000 किसानों का 40 करोड़ रुपया माफ करेगी, जिसमें एक भी किसान बाकी नहीं रहेगा। यह मैं आपसे दावा करता हूँ। सभी किसानों को पूर्ण रूप से 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा और आप लोगों ने हमारे परिवार की और कांग्रेस की शान रखते हुए मुरैना जिले में विधानसभा क्षेत्र की 6 में से 6 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ठीक जिस तरह कांग्रेस को दी गई है, उसी तरह मुझे आशा है मेरी जनता से मुरैना लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में से 8 भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना है। समाचार जेट के लिए मुरैना से हरिन चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ये विश्वास सिंधिया परिवार का मुखिया आपको देता है। 55 लाख किसानों का पूरे मध्य प्रदेश में 40,000 करोड़ माफ हुआ है। एक भी किसान नहीं बचेगा जिसका 2 लाख रुपया का सरकारी बैंक माफ नहीं होगा। यह आपका हमारा संबंध है और अगर संबंध को मजबूती प्रदान करना चाहते हो तो इस लोकसभा चुनाव में जैसे मुरैना जिले में 6 में से 6 विधायक कांग्रेस से चुने गए, श्योपुर में बाबू जंडेल को एक ऐतिहासिक बहुमत प्रदान किया, वैसे ही लोकसभा चुनाव में आज के 8 विधानसभा में भाजपा का सुपड़ा हाथ उठाकर आश्वासन दो, एक एक वोट कांग्रेस के लिए और आपकी विकास और आपकी प्रगति ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिम्मेदारी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।